टू द चैनल एंड यस गाइस, बिहार बोर्ड के जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस्ड हो चुके हैं। इतने महीनों से जिस चीज़ का हम सबको इंतज़ार था वो आज हो चुका है। हर दिन जो है बिहार बोर्ड बोल रही थी कि आ जाएगा आ जाएगा, एंड फाइनली आज 12:30 बजे जो है आपके रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। ओके गाइस, तो इसमें बहुत सारे अपडेट्स हैं। इस साल का टॉपर कौन है, किस कौन से टॉप 3 रैंक होल्डर्स हैं, तो वो सब पूरा जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से सुनना। ओके गाइस, तो सबसे पहली बात ये है कि बिहार बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो आज 12:30 बजे आ गया, एंड इस बार का जो पासिंग परसेंटेज है वो कम हो गया है। यस गाइस, लास्ट ईयर जो पासिंग परसेंटेज था वो था 80.73, बट इस साल जो है वो 80.59% तक ही गया। मतलब ज़्यादा नहीं डिफरेंस हुआ है, बट यस गाइस कम तो हुआ है, 0.014% का डिफरेंस आ गया है। एंड यस गाइस, हिमांशु राज जो हैं इस साल के बोर्ड के टॉपर हैं, उन्हें आए हैं 481 मार्क्स, यानी कि 96.80% के आसपास। और दूसरे हैं दुर्गेश कुमार, तीसरे हैं शुभम कुमार, एंड यस गाइस थर्ड नंबर पे 3 लोग हैं और तीनों को 478 मार्क्स है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एंड नेक्स्ट है कि हिमांशु राज जो हैं अभी तक के हाईएस्ट स्कोरर बन चुके हैं 96.2% मार्क्स के साथ बिहार की बोर्ड के मैट्रिक रिजल्ट में। और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जैसे आप सब देख सकते हैं उनके 481 मार्क्स हैं और पास परसेंटेज जो है वो 80.59 पे आ गया है। एंड बोर्ड ने टाइम लिया था पास परसेंटेज और टॉपर का नाम देने में, बट आ गया फाइनली। एंड लेट्स सी अब आगे क्या क्या अपडेट आते हैं। तो अगर आपको कोई भी अपडेट जानना होगा तो आप मेरा वीडियो पूरा देखना, एंड यस गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। यस गाइस, नेक्स्ट अपडेट आ रही है कि स्कूल जो है वो खुलने वाले हैं, एंड ये स्कूल्स खुलेंगे 8 to 12 के लिए, मतलब 1 to 7 वालों को अभी भी नहीं जाना है। एंड स्कूल जो खुलेंगे वो भी जोन वाइज ही खुलेंगे, जी हाँ गाइस, और स्कूल बेसिकली ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में ही खुल सकते हैं। एंड इस पर जो है सजेशंस आ रहे हैं कि क्या क्या तरीके से स्कूल खुलना चाहिए। मोस्टली 2 महीने हो गए स्कूल को बंद हुए हुए, एंड स्कूल को जो है बंद हुए बहुत समय हो गया, एंड स्टूडेंट्स भी बहुत कब से इंतज़ार कर रहे थे कि कब स्कूल खुले और वो वापस से कब स्कूल जाना शुरू करें। एंड जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्लास 7th वालों को अभी नहीं लाया जाएगा जब तक लॉकडाउन कम्प्लीटली नहीं हटता, और 1/3% ही स्टूडेंट्स जो है स्कूल जाएंगे, जैसे मतलब कि 30% के आसपास बच्चे जाएंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा छोटे बच्चों के लिए, एज़ कम्पेयर टू सीनियर्स जो है वो कर सकते हैं। और स्कूल को जो है कम्प्लीटली सैनिटाइज करना पड़ेगा, और जब ट्रैवलिंग हो रही होगी, जब ट्रांसपोर्टेशन में, तब भी जो है सेफ्टी को ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड स्कूल कब खुलेंगे तो उस पर जो है चार्टी मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि हम लोग अभी NCERT ने जो प्रपोजल दिया है उस पर स्टडी कर रहे हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली जुलाई का अभी डेट आ रही है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है कि आगे कब स्कूल खोलते हैं। तो आगे अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ गाइस इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी को जान सकें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नई टॉपिक के साथ। और अगर आपने जो मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है एजुकेशन के ऊपर, क्लास 7 ज्योग्राफी जो हम लोगों ने चालू रखी है अभी, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। चलिए गाइस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।